मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं सीपीसी की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है। सीपीसी की प्रमुख धाराएं जिनके बारे में हम आपको संक्षेप में बताएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सीपीसी की धाराएं ऐसे प्रावधान करती है जो क्षेत्राधिकार के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित है। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। धारा दो में डेफिनेशंस दी गई है। धारा छः आर्थिक क्षेत्राधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा नौ न्यायालय सभी सिविल मुकदमों की सुनवाई करेंगे जब तक कि वर्जित न हो, अर्थात कि किसी भी प्रकार का सिविल मामला हो तो धारा नौ के तहत सब सिविल मुकदमों में न्यायालय को सुनवाई करने से वर्जित नहीं कर सकते हैं, अर्थात कि सिविल मुकदमों में सुनवाई करेंगे जब तक कि वर्जित न हो। धारा 10 मुकदमे पर रोक के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 11 पुनर्न्याय के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 12 आगे मुकदमा चलाने पर रोक के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 13 जब विदेशी निर्णय निर्णायक न हो के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 14 विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 15 न्यायालय जिसमें वाद संस्तुत किया जाना है। धारा 16 मुकदमे वही संस्तुत किए जाएंगे जहां विषय वस्तु स्थित हो। धारा 17 अचल संपत्ति के मुकदमे विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। धारा 18 वाद संस्तुत करने का स्थान जहाँ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हो। धारा 19 व्यक्तिगत या चल संपत्ति की गलतियों के लिए मुआवजे के लिए मुकदमा। धारा 20 अन्य मुकदमे वहां संस्थित किए जाएंगे जहां प्रतिवादी रहते हैं या कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है। धारा 21 क्षेत्राधिकार पर आपत्तियां। धारा 21 ये वाद के स्थान के संबंध में आपत्ति एवं डिक्री को रद्द करने पर रोक। धारा 22 एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकने वाले मुकदमों को स्थानांतरित करने की शक्ति। धारा 23 आवेदन किस न्यायालय में है। धारा 24 स्थानांतरण और वापसी की सामान्य शक्ति। धारा 25 मुकदमे आदि स्थानांतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। धारा 26 मुकदमों का संस्थित होना। धारा 27 प्रतिवादियों को समन के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 28 जहाँ प्रतिवादी दूसरे राज्य में रहता है वहाँ समन की तामील के बारे में प्रावधान है। धारा 29 विदेशी समन की तामील के बारे में प्रावधान है। धारा 30 खोज आदि का आदेश देने की शक्ति के बारे में प्रावधान। धारा 31 गवाह के लिए समन। धारा 32 चूक के लिए जुर्माना। धारा 33 निर्णय और डिक्री के बारे में प्रावधान है। धारा 34 ब्याज के बारे में। धारा 35 लागत के बारे में। धारा 39 डिक्री का स्थानांतरण के बारे में। धारा 46 धारा 52 कानूनी प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का परिवर्तन। धारा 55 गिरफ्तारी और निरोध के बारे में प्रावधान है। धारा 56 पेशे के लिए डिग्री के निष्पादन में महिलाओं की गिरफ्तारी हिरासत पर प्रतिबंध। धारा 60 डिग्री के निष्पादन में कुर्की और बिक्री के योग्य संपत्ति। धारा 77 अनुरोध पत्र। धारा 78 विदेशी न्यायालयों द्वारा जारी किए गए कमीशन के बारे में प्रावधान है। धारा 79 सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमा। धारा 80 सूचना इन्फॉर्मेशन। धारा 82 डिग्री का निष्पादन। धारा 89 मध्यस्थता। धारा 91 सार्वजनिक उपद्रव और जनता को प्रभावित करने वाले अन्य गलत कार्य। धारा 92 सार्वजनिक दान। धारा 96 से लेकर के 112 अपीलों से संबंधित है। धारा 113 से 115 संदर्भ समीक्षा और संशोधन के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 144 क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन। धारा 148 समय का विस्तार। धारा 148 से केवीएट दाखिल करने का अधिकार। केवीएट दाखिल करने का जो अधिकार है वो 148 ए में है।
धारा 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बचत के बारे में, धारा 152 निर्णय डिक्री और आदेश का संशोधन के बारे में, धारा 153 संशोधन करने की सामान्य शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब आपकी इच्छा हो तो कर सकते हो, नहीं हो तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एक बार अवश्य आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। थैंक यू वेरी मच।